ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 4.2, डेट इज द वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स. अब जैसे प्रीवियस टॉपिक में हमने जो स्टडी की थी उसके अकॉर्डिंगली हमने कहा था कि जो हमारी फोर्स है वो थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रही थी, और कांस्टेंट फोर्स के अंडर हमने जो है वो वर्क डन की वैल्यू फाइंड की थी बाय द फॉर्मूला एफ डी कॉस थीटा. लेकिन अब हम ये कहते हैं कि ये जो फोर्स है ये हमारी वेरिएबल फोर्स है. वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या है कि फोर्स की वैल्यू जो है वो थ्रू आउट द सिस्टम, थ्रू आउट द प्रोसेस क्या हो रही है, चेंज हो रही है. तो अगर हमारे पास फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है तो उसके लिए भी हम वर्क डन की वैल्यू निकाल सकते हैं, और वो हम इस टॉपिक में सीखेंगे तो हम चेंज होने वाली फोर्स के लिए वर्क डन की वैल्यू कैसे निकालेंगे. अगर आप ये सोचें कि क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें जो है वो वर्क डन की वैल्यू निकालने के लिए वेरिएबल फोर्सेस के लिए, तो जाहिर सी बात है कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वहाँ पे फोर्सेस की वैल्यू हमेशा कॉन्स्टेंट तो नहीं रहेंगी. बहुत से सिस्टम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही होती है. लाइक अगर आप बात करें फोर्स ऑफ ग्रेविटी की, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के केस में आपने एक जो है वो रॉकेट लिया, इस रॉकेट को जो है वो आपने ऊपर की तरफ मूव करवाना शुरू किया. अब स्टार्टिंग में जब ये अर्थ के सरफेस पे करीब था तो इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन यूं थी, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन यूं थी जो कि इस पर बहुत स्ट्रांगली एक्ट कर रही थी. ठीक है, अब जैसे जैसे वो रॉकेट आगे जाता जाएगा और अर्थ की सरफेस से दूर होता जाएगा तो ये जो फोर्स की वैल्यू थी जो कि अर्थ इस पर लगा रही थी उसका मैग्नीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा. तो ये एक वेरिएबल फोर्स है, हमें समटाइम्स जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वर्क डन फाइंड करना पड़ता है. तो हमें पता होना चाहिए कि वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन कैसे निकलता है. और दूसरे एग्जांपल अगर कंसिडर करें तो इलास्टिक स्प्रिंग ले लें आप, या एक जो है वो कोई भी जो है वो आपका स्ट्रेच स्प्रिंग होता है उसकी एग्जांपल ले लें, तो एक स्प्रिंग को आप जो है वो जितना ज़्यादा स्ट्रेच करते जाएंगे उसके अंदर जो फोर्स की वैल्यू है वो उतनी चेंज होगी. फॉर एग्जांपल एक स्प्रिंग को आपने इतना स्ट्रेच किया तो जैसे उसे छोड़ेंगे तो वो एक खास फोर्स के साथ जो है वो अपने आप को रिलीज करेगा, लेकिन आप अगर उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ जो है वो रिलीज होगा. तो इसका मतलब है इलास्टिक स्ट्रिंग स्प्रिंग के अंदर भी जो फोर्स होती है उसकी वैल्यू वेरिएबल फोर्स होती है. तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को. यहाँ एक फिगर जो है वो हमने ड्रॉ की है, यानी एक बॉडी थी जिसको हमने यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो है वो मूव करवाया है, और ये जो पाथ हमने लिया हुआ है ये एक कर्व पाथ है. कर्व पाथ का मतलब है कि ये एक्स वाई प्लेन है. कर्व पाथ जब भी हम लेते हैं तो उसमें एक्स एक्सिस भी आता है और वाई एक्सिस भी जो है वो आ जाता है. इस कर्व पाथ के अलॉन्ग हमने एक बॉडी को मूव करवाया, और मूव कैसे करवा रहे हैं आप वो सोचें, एक कर्व पाथ है. अगर आप एक सीधी रोड पे जा रहे हैं तो आपको सेम फोर्स की ज़रूरत होगी आगे मूव करने के लिए, लेकिन अगर आपको टेढ़े मेढ़े रास्ते पर जाना है किसी चीज़ को मूव करवाना है तो आपको फोर्स की वैल्यू हर पॉइंट पर चेंज करनी पड़ेगी. मे बी पॉसिबल है कि यहाँ पर ये जो रास्ता है वो स्ट्रेट हो तो आपको सीधी फोर्स लगानी पड़े, आगे यूँ आ जाए तो फोर्स की वैल्यू आपको चेंज करनी पड़े. इसका मतलब है कर्व पाथ के अलोंग फोर्स हमेशा क्या होती है, आपकी चेंज हो रही होती है हर पॉइंट पे. तो हमने सिंपलिसिटी के लिए इस कंप्लीट कर्व पाथ को स्मॉल पैचेस के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर लिए, और हर एक छोटे पैच को हमने नाम दे दिए डेल्टा डी. डेल्टा डी क्या शो कर रहे हैं, वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, कि इस पैच में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इतनी है, यहाँ से यहाँ इतनी है, और लास्ट पे हमने डेल्टा डी एन कहा है. ये इन पैचेस में से डिवाइड किए और हर पैच स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को जो है वो शो कर रहे हैं. फोर्स की वैल्यू फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट एफ वन होगी, सेकेंड में एफ टू, और थर्ड में एफ थ्री, और लास्ट में जो है वो एफ एन होगी. और हर किसी में जो एंगल है डिस्प्लेसमेंट के साथ वो कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है. तो अगर हमें वर्क डन फाइंड करना है सबसे पहले इस पैच के लिए तो वर्क डन हमारे पास डब्ल्यू वन आएगा, और ये क्या आएगा, सिंपली अगर फार्मूला देखें तो एफ कॉस थीटा डी फार्मूला था हमारे पास. ठीक है, अब इसको अपने लिहाज से सेट करते हैं. सबसे पहले एफ वन कॉस थीटा वन और डेल्टा डी वन, सेकेंड वर्क डन निकालें तो एफ टू कॉस थीटा टू डेल्टा डी टू, सेम इसी तरह थर्ड वर्क डन एफ थ्री कॉस थीटा थ्री डेल्टा डी थ्री. ठीक है, ये आ गया. अप टू सो ऑन हमारे पास जो है वो nth पैच के लिए क्या आ जाएगा, एफ एन कॉस थीटा एन डेल्टा डी
एन आ गया. ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो सिंपली क्या वैल्यूज आ गई हैं, तो वर्क डन की वैल्यूज आई. अब अगर हम टोटल वर्क डन निकालना चाहते हैं तो इन तमाम वर्क डन की वैल्यू को हमने क्या करना है, ऐड करना पड़ेगा. यानी टोटल वर्क डन किसके इक्वल होगा, W1 प्लस W2 अप टू सो ऑन WN तक के जो है वो ये इक्वलेंट आ जाएगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, इन वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं. सबसे पहले F1 cos थीटा 1 डेल्टा D1 प्लस F2 cos थीटा 2 डेल्टा D2 और अप टू सो ऑन FN cos थीटा N और डेल्टा DN. ये चीज हो गई. अब तमाम जगह पे वैल्यू हमारी कम्प्लीटली सेम वर्क डन की, सिर्फ जो है वो चेंज किसमें, सबस्क्रिप्ट चेंज हो रहे हैं. फर्स्ट पैच के लिए वर्क डन जो है वो उसके लिए फोर्स F1 और डेल्टा D1 था, सेकंड के लिए 2 आ गया और थर्ड के लिए 3 आ गया. तो अगर अब हम इन तमाम वर्क डन को ऐड करें तो हम समेशन लगा सकते हैं, और समेशन के अंदर हम अपनी वैल्यूज को किस तरह से लिखेंगे, सिंपली F cos थीटा एंड डेल्टा डी. अब लिमिट अप्रोच कर देते हैं अपने इसके लिए, तो वो लिमिट क्या होगी, आई से स्टार्ट करते हैं. आई कहाँ से शुरू हो रहे हैं, वन से जो है वो आई स्टार्ट हो रहे और आई एंड कहाँ पे कर रहा है, एन के ऊपर जो है वो एंड कर रहे, तो यहाँ पे हम सिंपली एन लिखेंगे. तो ये हमारे पास जो है वो टोटल, तो ये हमारे पास टोटल वर्क डन की वैल्यू, जिसमें हमने जो है वो इसको आई के फॉर्म में लिखा है और आई स्टार्ट हो रहा था कहाँ से, वन से लेके एन तक तमाम वैल्यूज को ये जो है वो कवर कर रहा है. अब अगर हम जो है वो वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स फाइंड करना चाहते हैं ग्राफिकल मेथड के थ्रू, तो हम ग्राफ किस तरह से प्लॉट कर सकते हैं, सिंपली हम जो है वो दो एक्सिस लेते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक हमारे पास जो है वो वाई एक्सिस. अब हमारे पास जो पूरा वर्क डन का फॉर्मूला है वो दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइडेड है. एक है था हमारे पास डी का मैग्नीट्यूड और दूसरा था हमारे पास कंपोनेंट ऑफ फोर्स. इसका मतलब है एक तरफ हमें कंपोनेंट ऑफ फोर्स लेना पड़ेगा और दूसरी तरफ हमें जो है वो डी का मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा. तो वाई एक्सिस के अलोंग हम एफ कॉस थीटा लेते हैं और एक्स एक्सिस के अलोंग हम डिस्प्लेसमेंट को लेते हैं, ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड को सिंपली. तो ये था. अब हमारा जो ये पाथ था जिसको वर्क डन हो रहा था वो एक कर्वीलिनियर पाथ था. इसको अगर हम यहाँ पे इस तरह से शो करवाएं तो हम जो है वो किस तरह से ग्राफ प्लॉट करवाएंगे, हम जो है वो इसी को जो है वो सेम यहाँ पे प्लॉट करवाते हैं. सबसे पहला जो हमारे पास पैच आ रहा था वो डेल्टा डी वन था, जिसको हम रेक्टेंगल्स की फॉर्म में यू शो करवा देते हैं. ये डेल्टा डी वन आ गया. नेक्स्ट डेल्टा डी टू है, इसको हम कर्व पाथ के लोंग ऐसे शो करवाएंगे, ये डेल्टा डी टू है. नेक्स्ट जो है ये डेल्टा डी थ्री है और अप टू सो ऑन लास्ट पे हमारे पास जो है वो क्या आएगा, डेल्टा डी एन आ जाएगा. ठीक है, तो ये हमें जो है वो इसको इस तरह से शो करवाए. अब डेल्टा डी वन के अलोंग जो हमारे पास फोर्स थी वो एफ वन थी, इसके अलोंग एफ टू थी, एफ थ्री और यहाँ पे एफ एन थी. और फॉर्मूला में हमने जो है वो एक आई सबस्क्रिप्ट भी यूज़ किया था कि आई कोई भी नंबर हो सकता है, चाहे वो सिक्स हो सेवन हो. तो इस बेटर के हम यहाँ पे एक पैच को जो है वो आई का नाम दे देते हैं और आई यहाँ पे कोई भी किसी भी किस्म का नंबर हो सकता है. तो ये हमारे पास जो है वो इसकी पूरी एक फिगर बन गई और इसको हमने सिंपली आई को जो है वो इस तरह से शो करवा दिया. ये ग्राफिकल अब अगर जो है वो इस मेथड को हम देखें तो अगर हम तमाम की तमाम ये जो रेक्टेंगल्स बने हुए हैं इनका सेपरेटली एरिया फाइंड करें और तमाम एरिया को ऐड अप कर दें तो तब भी हमारे पास यही फॉर्मूला जो है वो एज अ रिजल्ट आएगा. तो एक दफ़ा तो हमने फॉर्मूला निकाल लिया किसके थ्रू जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स को जो है वो बाय फॉर्मूला यूज करते हुए, और यही फॉर्मूला हम जो है वो इन तमाम रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड करके भी इजीली निकाल सकते हैं. लास्ट पे जो है वो कहते हैं कि अगर हमें जो है वो वर्कडन की वैल्यू चाहिए इन मोर एक्यूरेट वेज, तो एक्यूरेट मेथड उसका क्या होता है उसको भी देख लेते हैं. अब अगर हम ये करते हैं कि यहाँ ये जो है पैच है जिसे हमने डेल्टा डी का नाम दिया, डेल्टा डी वन डी टू डी थ्री डी एन, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहे हैं, इनको हम मजीद सब डिवाइड कर देते हैं, यानी कुछ ऐसे कर देते हैं. ठीक है, यानी इसके अंदर हमने बहुत से मजीद छोटे 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 पैचेस जो है वो बना दिए. तो क्या हुआ यहाँ पे, डेल्टा डी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता
स्मॉल होता जा रहा है. पहले जो डेल्टा डी का पैच था वो इतना था, जब हमने उसमें मजीद तीन पार्ट्स में से डिवाइड किया तो एक पैच बहुत ज़्यादा स्क्वीज हो गया, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, यानी डेल्टा डी स्मॉल होता जा रहा है. अब अगर हम बहुत ज़्यादा इसे डिवाइड करें तो एक टाइम आएगा कि डेल्टा डी जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा. ठीक है, अगर डेल्टा डी जीरो को अप्रोच कर जाता है तो उसके लिए जो हमारा ये फॉर्मूला होगा हमें यहाँ पे लिमिट अप्रोच करवानी पड़ेगी, यानी हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा डब्ल्यू इज इक्वलेंट टू लिमिट डेल्टा डी अप्रोचेस टू जीरो समेशन आई इज इक्वलेंट टू वन टू एन एफ आई कॉस थीटा आई डेल्टा डी आई. तो इस केस में अगर डेल्टा डी जीरो को अप्रोच कर जाए तो हमारे बहुत वो कुछ इस तरह की बनेगी, यहाँ f cos थीटा और यहाँ d. तो उसमें ये तमाम एरिया जो है वो हमारे पास आ जाएगा, यानी वो जो स्मॉल डेल्टा d वाले पैच थे वो सब होते हैं. ये लाइन इतनी ज़्यादा है कि हमें जो है वो कंप्लीट होल एरिया यहाँ पे जो है वो अंडर द ग्राफ मिल जाएगा. तो ये था हमारा टॉपिक नंबर 4.2.